हाँ मनसा वाचा और कर्मण एक ही सेवा है, तो मनसा सेवा कैसी करती है? मनसा सेवा बाबा तक कैसी पहुंचती है? वाचा सेवा ब्रह्मा के द्वारा, बहुत हुई ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा, बहुत हुई, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा भी बहुत हुई। बाप प्रत्यक्ष हुआ नहीं हुआ? भागदौड़ की सेवा ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा बहुत हुई, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा भी। कर्मणा भागदौड़ की सेवा बहुत हुई, बाप की प्रत्यक्षता का रिजल्ट निकला है? नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि मुरली में बोला है किसी की वाचा सेवा करो तो क्या शर्त बताई? बाप की याद में सेवा करेंगे तो उसको तीर लगेगा, नहीं तो तीर नहीं लगेगा। यही कारण है। मनसा सेवा सबसे बड़ी सेवा है, लेकिन तब जब एक की निरंतर याद हो, और वो एक की याद में माया रोड़ा अटकाई देती है, या यूं कहें कि पूर्व जन्म के हमारे हिसाब किताब हैं जो हमको एक की याद में टिकने नहीं देते। नहीं टिकने देते हैं तो हम व्यभिचारी याद में लग जाते हैं, फिर कर्म भी एक के लिए करेंगे, एक ही अनेकों के लिए करेंगे, अनेकों के लिए कर्म करते हैं। तो व्यभिचारी याद है, व्यभिचारी वाचा है, व्यभिचारी कर्म है। जब हमारी याद एक आग्र हो जाएगी, आग्र माने आगे, एक माने एक, याद में हमारे आगे कौन होगा? एक ही होगा, कोई दूसरा हमारी नजर के सामने नहीं होगा। तब हमारी वाचा भी सफल होगी, तब हमारी कर्मेंद्रियां भी सफल होंगी। बाबा बाप की याद मुरली पॉइंट से कर सकते हैं? है? बाप की याद मुरली पॉइंट से कर सकते हैं? मुरली का पॉइंट अज्ञानी को हर एक पॉइंट सुना सकेंगे? नहीं नहीं, याद बाबा सुनने की बात नहीं, याद मन में याद करनी है। हाँ, तो मुरली पॉइंट से एकदम क्लियर रहता है। अरे वैसे वो बिंदी ऐसे आप सामने बैठे हैं तो याद ऐसे बराबर रहती है, फिर आप सही होते तो ऐसे साकार में तो कोई रहता ही नहीं ना, याद करेंगे तभी तो वैसे फिर याद नहीं आता है। ऐसे ऐसे सामने होगा तो याद रहता है। आपका कोई बच्चा है? है, है। जब वो बच्चा अभी छोड़ो, जब छोटा बच्चा था, आपका लौकिक बच्चा जब छोटा था और वो छोटा बच्चा घर से बाहर निकल जाता था तो आपको सामने नहीं था तो भी आपको याद रहती थी कि नहीं रहती थी? याद रहती थी। सच्ची सच्ची बताना। तो बच्चा आमने सामने नहीं रहता था ना, घर से बाहर चला जाता था तो वो याद अलग टाइप की हो जाती ना बाबा? तो ये भी तो अलग टाइप की है। किसको कहेंगे हम व्यभिचारी याद और किसको कहेंगे हम अव्यभिचारी याद? हाँ, एक शिव, एक शिव आत्मा, जिसको हमने किसी मुकर्रर साकार शरीर में पहचान लिया कि वो इस सृष्टि पर आया हुआ है मुकर्रर शरीर में, उसकी ही याद रहे और कोई भी देहधारी की याद ना आए या इंटरफियर न करे, उसको कहेंगे
अब व्यभिचारी याद। अगर उसकी याद में हम बैठे हैं और घड़ी घड़ी कोई इंटरफियर कर देता है, याद में बीच में टांगड़ा के आ जाता है, जैसे बाबा ने कहा लगाओ झुकाओ की पहचान क्या है, लगाओ झुकाओ की पहचान है न चाहते हुए भी बुद्धि बार बार उस तरफ चली जाएगी। जिसको हम याद नहीं करना चाहते हैं वो बार बार याद आ जाते हैं। तो बम्बैया वालों ने गीत गा दिया, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। है कहां की बात है, ये यहां संगम युग की बात है। अभी ज्ञान मिलने के बाद उन दूसरे देहधारियों को कोई याद नहीं करना चाहता, क्योंकि सब की बुद्धि में बैठ गया बाकी सब दुखदाई है, आगे या पीछे दुखदाई जरूर है। इस दुनिया में सिर्फ एक शिव बाबा ही है जो सुखदाई है। इसलिए सुखदाई को याद करना होता है या दुखदाई को याद करना होता है। रावण दुख देता है तो उसका नाम रख दिया है रावण, रावयते लोकान। जो लोगों को रुलाता है, दुखी होते हैं तो रोते हैं। कन्याएं माताएं आंसुओं से रोती हैं, पुरुष अंदर से रोते हैं। रोते तो है ना, तो जो रुलाता है वो क्या हो गया, वो रावण हो गया। अभी जब बाप आते हैं तो सारी दुनिया जैसे सन 36 की बात, सन 42 की बात, एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ, तो सारी दुनिया के जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो कौन सा संप्रदाय हो गई, सब रावण संप्रदाय हो गई। और जो आदि में हुआ सो क्या होगा, अंत में भी वो ही होगा। तो सब दुखदाई है, एक सुखदाई साबित होगा सारी दुनिया में। तो कौन होगा जो उसको याद न करना चाहे। लेकिन जो याद आते हैं वो क्यों याद आते हैं, हमको आप भी बिचारी शिव बाबा की याद क्यों नहीं करने देते है? है? किसी का कर्ज है तो अपना कर्ज लेने के लिए आएगा बार बार या नहीं आएगा? तो उनसे हमने प्रीति का कर्ज लिया है और बाप को छोड़ दिया है, क्या कहा पूर्व जन्मों में क्या किया है, उनसे प्यार का कर्ज लिया है और बाप को छोड़ दिया।
तो जिनसे प्यार का कर्ज लिया है, भले कोई भी संबंध से, तो बार बार याद आते हैं। हमारी याद को व्यभिचारी बना देते हैं। ठीक है, बुद्धि में रहेगा कि हम सेवा करेंगे, जिनकी सेवा करेंगे उनको सुख मिलेगा, तो दुआएं देंगे। ज्ञान आत्मा की दवा है ना, जो डिफेक्टेड आत्मा हो गई, बीमार हो गई, उसको सुधारने के लिए क्या दवा है? ज्ञान ही दवा है, ज्ञान की गोलियां हैं और ज्ञान का इंजेक्शन है। यथार्थ माने जैसा अर्थ है वैसा। माम एकम याद करो, क्या अर्थ है? मुझे एक को याद करो। किसने बोला है? जो ऊंचे हैं उसने बोला, मुझे एक को याद करो।